कमलनाथ आजकल कई जगह कहते मेरी सरकार गिरा दी, मैंने क्या पाप किया था? तुमने पाप किया था, तुमने पाप, आपने पाप किया था कमलनाथ जी, आपने संबल योजना बंद कर दी थी, पाप किया था तुमने। गरीब की मौत हो जाए तो मैं 4 लाख रुपया देता था, बंद। अंतिम संस्कार में 5,000 रुपया देता था ताकि जाने के पहले अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हो जाए, तुमने बंद किया। कमलनाथ जी आपने पाप किया था, आपने पाप किया था। बेटियों की शादी की योजना मैंने बनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, तुमने बेटियों की शादी हुई पैसे ही नहीं दिए। पाप नहीं है क्या मेरे बहनों और भाइयों? कमलनाथ जी आपने पाप किया था। बेटा बेटी को जन्म देने के पहले गरीब बहना को 4,000 में देता था, जन्म के बाद 12,000 देता था, कुल 16,000, इसलिए कि गरीब घर में भी लड्डू बन जाए और पोषक आहार मिल जाए। तुमने मेरी बहनों के लड्डू छीनने का पाप किया था कमलनाथ जी, आपने पाप किया था। कमलनाथ जी आपने मेरे बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, लैपटॉप देना बंद कर दिए, आपने पाप किया था। कमलनाथ जी जल जीवन मिशन की योजना बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मेरी बहनों हैंडपंप से पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा के, टंकी बना के, घर में टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोंटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा सब भरा जाएंगे। लेकिन कमलनाथ जी आपने जल जीवन मिशन योजना शुरू नहीं की, ये पाप था, आपने पाप किया था। कमलनाथ जी नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि के पैसे दे रहे थे, तुमने किसानों की सूची नहीं भेजी कि मोदी जी का नाम हो जाएगा, मैंने सूची भेजी 80 लाख किसानों की, तुमने पाप किया था, तुमने पाप किया था। कमलनाथ जी मैंने तीर्थ दर्शन योजना बनाई बुजुर्गों को तीर्थ ले जाने के लिए, तुमने बुजुर्गों की तीर्थ वाली रेल रोक दी, तुमने पाप किया था। बताओ ये पाप है कि नहीं? अरे जोर से बताए पाप है कि नहीं? ये पाप किया था।